नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूँ आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से, युवक कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव आज से हैं, कांग्रेस के 3 लाख कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनेंगे। ऑनलाइन वोटिंग से फैसला होगा, अध्यक्ष पद के लिए 9 दावेदार मैदान में उतरे हैं। 3 उम्मीदवार अपना नाम वापस ले चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत में मुकाबला है। विधायक विपिन वानखेड़े अध्यक्ष की रेस से हटे हैं। कांग्रेस के 3 लाख कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनेंगे। युवा कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव आज से हैं। कांग्रेस के 3 लाख कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनेंगे अपना, ऑनलाइन वोटिंग से फैसला होगा। आज चुनाव होने हैं। आज से NSUI अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने विवेक त्रिपाठी को अपना समर्थन दिया। वानखेड़े ने अपना नाम वापस ले लिया है। चुनाव से ठीक पहले विवेक त्रिपाठी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। बता दें कि विवेक त्रिपाठी युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद की रेस में 9 प्रत्याशी अब बचे हैं। विपिन वानखेड़े ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद अब 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहली बार युवा कांग्रेस का चुनाव ऑनलाइन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के लिए 10, 11 और 12 दिसंबर को मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अधवरियू जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, युवक कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव आज से होने जा रहे हैं, पहली बार है कि ऑनलाइन चुनाव होंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं, लगभग 6 साल बाद युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। अभी तक कह सकते हैं जो अध्यक्ष थे वो जो चुनाव होते थे वो ऑनलाइन की जगह प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, लेकिन इस बार कोरोना का संक्रमण है, इस कारण ये ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष अभी तक कुणाल चौधरी थे, अब वो विधायक बन गए हैं। उसके बाद लगातार लगभग लंबा समय हो गया था, तो ऐसे में 6 साल बाद अब ये युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। ऑनलाइन ये पूरे चुनाव होंगे। 10, 11, 12 3 दिन तक ऑनलाइन वोटिंग की जा सकती है। 3 लाख जो कार्यकर्ता है वो वोटिंग करेंगे। 9 दावेदार हैं इसमें, जो मुख्य रूप से इसमें पहले 12 लोग दावेदार थे, लेकिन 3 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 9 दावेदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें नाम था विपिन वानखेड़े, विपिन वानखेड़े आगर से विधायक भी हैं, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी दावेदारी की थी, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया और अपना समर्थन विवेक त्रिपाठी को दे दिया। विवेक त्रिपाठी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और विवेक त्रिपाठी आपको बता दूं NSUI के प्रवक्ता भी हैं और अब वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला जो है वो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और विक्रांत भूरिया में, दो प्रत्याशी, कांतिलाल भूरिया के बेटे क्राल भूरिया और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और आज 8 बजे से ऑनलाइन ये वोटिंग हो जाएगी। 3 दिन तक ये वोटिंग रहेगी। निश्चित तौर पर पहली बार ये ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं। जी पूनम जी, किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है और फिर इसके बाद किस आधार पर जो है पदों का वितरण किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इनके पूरे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पर जो वोटिंग करेगा वो उस कंट्रोल रूम में वहां पर इंगित होगा, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से ही मतलब ये देखा जाएगा किन किन लोगों ने वोटिंग की है, कितने 3 लाख में से कितने कार्यकर्ताओं ने वोटिंग की है 3 दिनों में। उसके बाद उन कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरा देखा जाएगा कि कितने लोगों ने किसको वोट दिए हैं, कितने अध्यक्ष के लिए है, कितने अन्य पदों के लिए, ये पूरी उसकी 3 दिन के चुनाव के बाद इसकी पूरी काउंटिंग होगी। पूरी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी देखरेख कर रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, और उसके लिए एक पूरी मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है युवक कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव आज से होने जा रहे हैं। 10, 11 और 12 तारीख तक ये चुनाव होगा, उसके बाद जो है नतीजे आएंगे। कांग्रेस के 3 लाख कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनेंगे।